क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चैप्टर HCF एंड LCM क्वेश्चन नंबर 240 द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट विच वेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 7, 9 लीव रिमाइंडर्स 1, 3, 5, 7 रिस्पेक्टिवली इज। क्वेश्चन में हमें ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर फाइंड करना है, जिससे अगर आप 3, 5, 7 और 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1, 3, 5 और 7 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें ये पता करेंगे कि वैसे कौन से लिस्ट नंबर है जो 3, 5, 7 और 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो हम पहले इसका LCM निकालते हैं। 3, 5, 7, 9 तो ये तो 9 जो है वो 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, तो LCM जो होगा वो 5, 7, 9 सो इज इक्वल टू 315। तो ये 315 जो नंबर है ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 3, 5, 7, 9 से। तो अब हमें ये पता करना है कि वैसे ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर कौन सी होगी जो 315 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो फोर डिजिट नंबर जो होगा वो होगा 4×9 और अब हम इसको 315 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट 3 पार्ट को लेते हैं तो ये 9, 4, 5 फिर हम 9 1 times में 315 तो इसको लेस करने से 4, 3, 2 आ रहा है। तो अगर हम इस फोर डिजिट ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर फिर 2, 3, 4 लेस कर देंगे तो एग्जैक्टली 315 का वो डिविजिबल हो जाएगा। तो हम माइनस कर लेते हैं 2, 3, 4 सो इज इक्वल टू 9, 7, 6, 5 सो दिस इज द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 315। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हमें क्या पता करना है कि डिवाइड करने से रिमाइंडर आना चाहिए 1, 3, 5, 7 तो सबसे पहले हम इसमें ये चेक कर लेते हैं कि डिविडेंड और डिविजर के बीच का डिफरेंस क्या है। 3 3 माइनस 4 डिजिट नंबर जो होगा वो होगा 4×9 और अब हम इसको 315 से डिवाइड करेंगे। 315 फर्स्ट 3 पार्ट को लेते हैं तो ये 9, 4, 5 फिर हम 9 1 times में 315 तो इसको लेस करने से 4, 3, 2 आ रहा है। तो अगर हम इस फोर डिजिट ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर फिर 2, 3, 4 लेस कर देंगे तो एग्जैक्टली 315 का वो डिविजिबल हो जाएगा। तो हम माइनस कर लेते हैं 2, 3, 4 सो इज इक्वल टू 9, 7, 6, 5 सो दिस इज द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 315। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हमें क्या पता करना है कि डिवाइड करने से रिमाइंडर आना चाहिए 1, 3, 5, 7 तो सबसे पहले हम इसमें ये चेक कर लेते हैं कि डिविडेंड और डिविजर के बीच का डिफरेंस क्या। तो डिविजर जो है वो हमारा 3, 5, 7 और 9 है और रिमाइंडर इनके 1, 3, 5, 7 हो रहा है। तो इसमें सब का डिफरेंस जो हो रहा है 2 आ रहा है, ईच का डिफरेंस 2 आ रहा है तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो 9, 7, 6, 5 में इस 2 को लेस कर देंगे तो रिक्वायर्ड नंबर निकल जाएगा। तो ये 9, 7, 6, 3 सो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।
So option B is the correct answer.